नमस्कार, उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा होंगे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि दुर्गा शंकर मिश्रा 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कॉडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी हैं। तो इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है, जहां यूपी के मुख्य सचिव बने हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी वर्तमान में आपको बता दें कि शहरी मामलों के सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। तो कल पदभार ग्रहण करेंगे दुर्गा शंकर मिश्रा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं कि इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त यह सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के नए मुख्य सचिव होंगे। तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा होंगे, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। IAS अधिकारी हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि उत्तर प्रदेश में सामने आ रही है निकलकर, वर्तमान में शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा कल पदभार ग्रहण करेंगे। और आपको बताते चले कि दुर्गा शंकर मिश्रा 1984 बैच के उत्तर प्रदेश काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी हैं और वो भारत के वर्तमान आवास और शहरी मामलों के सचिव हैं। तो यूपी के मुख्य सचिव बने हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। इसके साथ ही आपको बता रहे हैं कि दुर्गा शंकर मिश्रा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के भी अध्यक्ष हैं। तो मुख्य सचिव बनाए जा रहे हैं, कल पदभार ग्रहण करेंगे दुर्गा शंकर मिश्रा। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि दुर्गा शंकर मिश्रा के लिए कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी बताए जाते हैं, साथ ही साथ RSS से भी ताल्लुक है दुर्गा शंकर मिश्रा जी के। तो वर्तमान में शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा कल पदभार ग्रहण करेंगे। और साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कि दुर्गा शंकर मिश्रा मुख्य सचिव बनाए गए हैं, कल पदभार ग्रहण करेंगे। तो इस बीच ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शुभम पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम जी, तो मुख्य सचिव बनाया जा रहा है दुर्गा शंकर मिश्रा जी को, और क्या जानकारी आपके पास है फिलहाल? ठीक है, तो कनेक्शन की वजह से शायद एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे शुभम को। लेकिन उससे पहले आपको बता रहे हैं कि लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि दुर्गा शंकर मिश्रा नए मुख्य सचिव होंगे। आपको बता रहे हैं कि दुर्गा शंकर मिश्रा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी बताए जाते हैं, साथ ही साथ RSS से भी करीबी संबंध हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी, RSS से संबंध, दुर्गा शंकर मिश्रा अब उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो आपको लगातार यूपी से आ रही सबसे बड़ी खबर के बारे में बता रहे थे, जहां दुर्गा शंकर मिश्रा नए सचिव बना दिए गए हैं। तो इसी खबर पर लगातार हमारी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। तो यूपी में इन दिनों चुनावी वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं इसी बीच बस्ती जिले के कुसौरा बाजार के पास आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे, जहां उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा और बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी सरकार बताया है। तो बस्ती से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए ब्राह्मण विरोधी सरकार उसको बताया है। तो बस्ती की तस्वीरें जहां पर बसपा का कार्यक्रम था, और बसपा के कार्यक्रम में सतीश चंद्र मिश्रा, बसपा के बड़े नेता, राष्ट्रीय महासचिव पहुंचे और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा है कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। वहीं हमीरपुर में पूर्व विधायक अशोक चंदेल की पत्नी के जिले में आने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि अशोक सिंह चंदेल आजीवन कारावास की सजा में जेल में है। वहीं अशोक चंदेल की पत्नी के आगमन पर सड़क पर उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई दी। वहीं इस भीड़ की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। जौनपुर में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा के आगमन को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं।
बता दें कि जौनपुर में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा 3 दिनों तक जनपद के तमाम विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी। वहीं शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के जनविश्वास यात्रा के आगमन में शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता सूर्य प्रकाश सिंह मुन्ना ने बताया कि बीजेपी की इस जनविश्वास यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। इस तारीख को जौनपुर जनपद में आते हुए यहाँ पर शाम को पहुँचेगी और 1 को फिर सुबह यहाँ से निकलते हुए सूरापुर होते हुए आगे प्रस्थान कर जाएगी। आप सागर विधानसभा क्षेत्र के नेता हैं और क्या लग रहा है, क्या मुद्दा रहेगी इस बार चुनाव को लेकर और क्या कितना विकास हुआ सागर विधानसभा क्षेत्र? सागर विकास जो है, सागर जो ये फैजाबाद रोड है, ये 4 लेन के लिए पैसा स्वीकृत हो गया। देखा जा रहा है 2 बार सपा के विधायक रहे, कितना विकास हुआ सागर विधानसभा क्षेत्र में? सपा के विधायक को विकास से मतलब ही नहीं है, उन लोग अपना निजी काम में ही मस्त रहे, अपने घर परिवार को बढ़ाते रहे। जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के तहसील चौराहे पर स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर रालोद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बता दें कि हाल ही में चौराहे पर स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर कुछ शरारती तत्वों ने बीजेपी का झंडा लपेट दिया था, जिससे रालोद पदाधिकारियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर कार्यकर्ताओं को शांत कराया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये अभी हमें आधे घंटे पहले अवगत हुआ कि किन्हीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर झंडा बांधने का काम करा, वो भी चेहरे पे, जो कि इस देश के महापुरुषों में गिनती है। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने हापुड़ जनपद में जन्म लिया गांव नूरपुर में और इसी जिले से वो प्रधानमंत्री बन के गए और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनकी आत्माओं से खेला गया। तो अब आप यहाँ लोग इकट्ठा हुए, क्या कार्रवाई? नहीं, हम वीडियो CCTV वीडियो निकलवा रहे हैं, उसमें CCTV में आते के साथ ही हम इसमें कार्रवाई करने की मांग कराएंगे। वहीं हाथरस में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन के कार्यक्रम का विरोध करने सैकड़ों ग्रामीण कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पहुंचकर ग्रामीणों ने बीजेपी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बता दें कि ये ग्रामीण सासनी से जलेसर रोड पर अंडरपास बनाने को लेकर आक्रोशित हैं। ग्रामीणों की मांग है कि अंडरपास ना बनाकर उसे फ्लाईओवर बनाया जाए और अगर ये फ्लाईओवर नहीं बना तो वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो बीजेपी के कार्यक्रम में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। यह हाथरस से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों की मांग है कि अंडरपास ना बनाकर उसे फ्लाईओवर बनाया जाए और अगर यह फ्लाईओवर नहीं बना तो वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आज बीजेपी के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन किया है। मुरादाबाद में विदेश से आए 4 लोगों के संपर्क में आने से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। वहीं इसके बाद जनपद में कोरोना के कुल 12 मामले हो गए हैं। वहीं इन केसों के सामने आने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही इन सभी लोगों के संपर्क में आए लोगों की भी टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। तो मुरादाबाद में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। फिलहाल जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 12 बताई जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमे में अब एक्टिवनेस दिखाई दे रही है। देखिए, अभी कल हमारे 2 केस सुबह पॉजिटिव आए, जो कि 4 हफ्ते पहले कुवैत से आए हुए मदर एंड सन थे। तो उसके बाद 8 केस शाम को पॉजिटिव आए हैं। कोरोना संक्रमण के बाद स्कूल तो खुल गए, लेकिन स्कूलों में सामाजिक दूरी बनाए रखना कठिन काम है। ऐसे में गाजियाबाद की नगर निगम बालिका विद्यालय की 2 छात्राओं ने एक स्मार्ट टोपी का आविष्कार किया है, जिसके माध्यम से 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी के नियम का लोग पालन कर सकेंगे। इस स्मार्ट टोपी को लगाने के बाद दूसरा व्यक्ति जैसे ही टोपी के करीब पहुंचता है, कैप में लगा बजर बजने लगेगा, जो कि 5 सेकंड तक बजता रहेगा। तो टोपी के करीब आने पर आवाज आएगी,
ऐसी एक टोपी जो है वो बनाई गई है, गाजियाबाद से तस्वीरें हैं, स्मार्ट टोपी इसको नाम दिया गया है। जैसे ही कोई भी अन्य व्यक्ति इस टोपी के करीब आता है तो इस टोपी में बजर बजने लगता है। समय जो दोनों छात्राओं ने कर दिखाया है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग दिखाया है, मुझे बड़ा गर्व अनुभव हुआ। और मेरी शिक्षिका पति चंचल त्यागी ने ये कार्य अपने सहयोग से बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। स्कूल का नाम नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज सिहानी है और 10th क्लास के बच्चों ने एक कैब बनाई है, सोशल डिस्टेंसिंग कैप है। बच्चे कोरोना की वजह से स्कूल नहीं आ पा रहे थे और फ़ोन की वजह से वो उन लोगों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, तो ऐसा कुछ सोचा कि बच्चे स्कूल आ पाएँ और बीमारी से भी बचे रहें तो एक डिस्टेंस उनके बीच में मेंटेन हो जाए, तो इस कैप को इन्वेंट किया गया और 2 हफ्ते के करीब इसमें टाइम लगा और अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ का इसमें खर्चा आया है। तो भोजन बनाने वाली रसोइयों के खाने की गुणवत्ता पर रखने के लिए कन्नौज में पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी संगीता सिंह की अगुवाई में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान जजों के पैनल ने सबसे स्वादिष्ट और गुणवत्ता परक खिचड़ी बनाने वाली रसोइया को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। तो कन्नौज में ये पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रही, साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। वहीं कन्नौज के हाजीगंज मोहल्ले में कौमी एकता सेवा समिति ने ठिठुरती ठंड से राहत देने के लिए गरीब और बेसहारा लोगों को कंबलों का वितरण किया है। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन हाजी रईस ने कहा, इस तरह का कंबल वितरण आयोजन हर साल समिति की ओर से किया जाता है और समिति की ये कोशिश रहती है कि कोई भी गरीब ठंड की वजह से ना मरे और ना ही इस ठंड से कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो। वहीं मैनपुरी में ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन का डंडा चला है। बता दें कि यहां अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों की ओर से उपजिलाधिकारी किशनी जयप्रकाश सिंह से कई बार शिकायत की गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं उपजिलाधिकारी की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। संभल जिले की 3 फ्रोजन फैक्ट्रियों पर बस्ती जिले के बीजेपी नेता की शिकायत पर श्रम विभाग और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की संयुक्त टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ छापेमारी की, जहां श्रम विभाग की टीम को छापेमारी करने पर मीट फैक्ट्रियों में काम करते हुए मजदूरों के बाल श्रमिक होने की आशंका पर दस्तावेज मांगे गए। बता दें कि छापेमारी बीजेपी नेता की शिकायत पर की गई, फिलहाल श्रम विभाग ने मामले में जाँच शुरू कर दी है। बिजनौर में इन दिनों सोशल मीडिया पर 2 बदमाशों की ओर से पुलिस से राइफल छीनने का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर पुलिस का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में पुलिस की ओर से वायरलेस पर मैसेज दिया जा रहा है कि जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ के भूतपुरी में बदमाशों की ओर से बट मारकर पुलिस से राइफल छीन ली गई है और फौरन वहां पर पुलिस पहुंचे। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस भी अभी कुछ बता नहीं पा रही है, फिलहाल अभी मामले की जांच चल रही है। बीती रात लगभग 1:15 बजे अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर भूतपुरी तिराहे के पास एक ट्रक से मैली गिरी हुई थी। 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उस मैली में उनकी मोटरसाइकिल घुस गई। इस बात को लेकर ट्रक ड्राइवर और हेल्पर से इनकी कहा सुनी होने लगी, गाली गलौज होने लगा। इसी दौरान जब पुलिस पिकेट वाले वहां पर आए और उन्होंने गाली गलौज दुर्व्यवहार का कारण पूछा तो पुलिस वालों से दोनों उलझ गए।
चलिए तो बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर गोंडा से है, जहां एक सिरफिरे युवक ने दबंगई दिखाते हुए एक एटीएम में तैनात गार्ड की जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस पिटाई से गार्ड आशीष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गार्ड की इस पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो ये गोंडा की तस्वीर है, जहां पर दबंगों ने गार्ड की पिटाई कर दी। देख सकते हैं, ये सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल चल रहा है। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तो दबंगों ने किस तरह से गार्ड को बेरहमी से पीटा है, ये उसकी तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। गोंडा की तस्वीरें हैं, सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई, जहां पर दबंग गार्ड को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे थे। अब इन्हीं फुटेजेस के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बलरामपुर में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई। वहीं इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बदमाश पर हत्या का आरोप है, जिसने ग्राम प्रधान की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने आरोपी से तमंचा और जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद किया है। तो मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बलरामपुर से तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई थी। जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। मुरादाबाद के केकांठ थाना इलाके में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी रिश्ते में लड़की का भाई लगता है और वारदात को अंजाम देकर यह मौके से फरार हो गया था। वहीं बच्ची का शव मिलने के बाद से पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी और आखिरकार मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना पर एक नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसका तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, पुलिस द्वारा उसकी तलाश की गई। तलाश के दौरान दिनांक 24 तारीख की शाम को ईक के खेत से उसका शव बरामद किया गया। प्रथम दृष्टया देखने पर जानकारी हुई कि उसके साथ दुष्कर्म के साथ हत्या हुई है। इसके आधार पर पुलिस द्वारा सबसे पहले उसका अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम करा के उसको दफन कराया गया। तो वहीं प्रतापगढ़ में कुछ महिलाओं ने एक सिपाही की जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस पिटाई का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिलाएं सिपाही को जमकर लात और घूंसों से पीटती नजर आ रही हैं। खबरों की माने तो यह सिपाही जमीनी विवाद की सूचना पर पहुंचा था, जहां महिलाओं से उसकी झड़प हो गई और इसी दौरान महिलाओं ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। तो प्रतापगढ़ की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर सिपाही की जमकर पिटाई का मामला सामने आया है और तस्वीरें भी सामने हैं, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। तो महिलाओं ने सिपाही की किस तरह से पिटाई की है, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बेरहमी के साथ महिलाएं सिपाही को पीट रही हैं और तस्वीरें खुद बता रही हैं कि किस तरह से महिलाओं ने सिपाही की पिटाई की है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कि अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही हैं। प्रतापगढ़ से ये खबर, जहां पर महिलाओं ने सिपाही को जमकर पीटा है और तस्वीरें भी अब सामने हैं। तो वहीं सीतापुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 लोग सड़क पर चल रही ट्रैक्टर में टकरा गए, जिसमें बाइक सवार तीनों युवक घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया। तो सीतापुर की ये तस्वीरें, जहाँ पर ट्रैक्टर से एक बाइक टकरा गई, बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें आनंद फानंद में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो 3 युवकों की मौत का यह मामला, सीतापुर की तस्वीरें, जहां पर बाइक ट्रैक्टर से टकराई और बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं बलरामपुर पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के निर्देशन पर अपराधियों पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत
पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी से कई सामान बरामद किया गया है। आरोपी पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। बलरामपुर से तस्वीरें, जहां पर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिनांक 26 दिसंबर को थाना क्षेत्र महाराजगंज तराई के ग्राम रूपनगर में प्रधान श्री राधेश्याम वर्मा की हत्या हुई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। चार लोग नामजद थे और तब से लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। कल जो है मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि उनमें से एक अभियुक्त भागने की फिराक में है, जिस सूचना पर पुलिस टीम महाराजगंज तराई और SOG की हमारी टीम इनके द्वारा खाराजार नाले के पास में उसको ट्रेस किया गया और वहाँ पे पुलिस को देखकर अभियुक्त जो है भागने की कोशिश की और उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया। वहीं एटा में अवैध बिल्डिंग पर प्रशासन का डंडा चला है। बता दें कि रेलवे रोड स्थित अवैध दुकानों को जिला प्रशासन की ओर से ध्वस्त करा दिया गया। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया। वहीं इस अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त कराने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। तो अवैध दुकानों पर प्रशासन का डंडा चला है। एटा से तस्वीरें, जहां पर अवैध बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया गया है। तो प्रशासन की ओर से ये बुलडोजर ले जाकर जो अवैध बिल्डिंगें थी उनको बुलडोज कर दिया गया है, उनको जमींदोज कर दिया गया है। तो एटा से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर अवैध बिल्डिंगों पर आज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उनको ध्वस्तीकरण का उनका काम किया है। जो प्लान है मास्टर प्लान के हिसाब से और जो भी नक्शा है उसके हिसाब से जो भी विधि विरुद्ध जो भी निर्माण किया जा रहा है, जो रोड पे जो आगे दुकानें बढ़ा के बना ली गई थी लेंटर डाल के, उनको ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे यहाँ जाम की समस्या जो है उसको दूर किया जा सके। सर, इसमें कोई शिकायतें वगैरह की गई थी इससे पहले क्या? बहुत सारी शिकायतें यहाँ के जो जन सामान्य के लोग हैं, नागरिक हैं, जब भी जाम की समस्या होती है तो कई शिकायतें आई थी। उसी के आधार पर जाँच की गई और पाया गया कि जो भी दुकानें जो हैं आगे बढ़ा कर बनाई गई हैं उनको नियमानुसार ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र के भटहट से एक बाइक चोरी हो गई। वहीं चोरी की यह वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। आपको बता रहे हैं कि यह बाइक एक निजी अस्पताल के सामने खड़ी थी, जिसे चोर ले उड़े, जिसके बाद पीड़ित ने संबंध में पुलिस को तहरीर दी है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो गाजियाबाद में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये तस्वीरें उसकी गवाही देती हुई नजर आ रही हैं, जहां चोर एक निजी अस्पताल के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चुराते हुए कैमरे की जद में आ गया और कैमरों ने उसको कैद कर लिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाजियाबाद से तस्वीरें, जो चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं इसको कहते बताते और सुनते देखी जा सकती हैं। कानपुर में DGGI टीम ने एक और बड़ी छापेमारी की है। बता दें कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बाद अब कानपुर के मेयर वनस्पति के मालिकों के घर और ऑफिस पे रेड पड़ी है। खबरों की माने तो पीयूष जैन कांड के बाद अब सवालों के घेरे में UPGST और लोकल एजेंसियां हैं। तो कानपुर में एक बार फिर कानपुर से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम कि DGGI की टीम ने एक और बड़ी छापेमारी की है। इस बार इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बाद अब कानपुर के मयूर वनस्पति के मालिकों के घर और ऑफिस में रेड पड़ी है। तो छापेमारी का सिलसिला अभी कानपुर इसकी जद में है। तो अब मयूर वनस्पति के यहाँ छापेमारी हुई है, मयूर वनस्पति के मालिकों के घर पर रेड पड़ी है। गोरखपुर में खजनी तहसील के अंतर्गत नगर पंचायत अनवल के वार्ड नंबर 2 में रिहायशी मकान के पास खड़े पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ झुलस गया। वहीं पास में बने मकान में भी मकान छत पर दरारें पड़ गई। वहीं गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। नुकसान में देखिए बिजली गिरी है तो पहले तो बिजली घर के पीछे गिरी है, क्या नाम है, पेड़ के ऊपर, पेड़ पर से हमारे छत पर यह छत क्रेक हो गया है। आज क्रेक होकर छत कई जगह क्रेक हो गया है, अब फट भी गया है, छत छत में होल हो गया है। और उसके बाद जितना मतलब बिजली का जितने उपकरण थे सारे उपकरण जल गए हैं। कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? लगभग 2 मोटर जल गए हैं और फिर हमारे चाचा घर उनके भी घर में मोटर लगा, उनका भी मोटर जल गया है और सारे उपकरण जितने पंखे थे और लाइट के जो भी सारे सामान थे सब जल गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।